नमस्कार सभी को। अभी हम हैं खुमसी सिदिसो, जो कि इस बार सबसे हाईएस्ट वार्ड में ट्रिजनु बुरा गांव से एज ए एमएलए चुने गए हैं। चलिए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनकी खुशी, जो कि हाईएस्ट वार्ड से इस बार एमएलए बने हैं। सर, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और सर, जैसे कि इस बार एज ए होल बीजेपी पार्टी, जैसे आपने कंटेस्ट किया, तो इस बार सबसे हाईएस्ट परसेंटेज वोट से 83.28% से आप जीते हो, तो आपका आपको कैसा लग रहा है सर? सबसे पहले मैं हमारा कंस्टिट्यूंसी के जितने भी वासी हैं उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि 2009 में उन लोगों ने हमको अरुणाचल में 60 MLA से अरुणाचल में 60 MLA में हमको थर्ड पोजीशन उन लोगों ने दिया। उसके बाद 2014 में पब्लिक ने फिर चाहा, 2014 में मुझे फिर सेकेंड पोजीशन में लाया। उसके बाद 2019 में कंसेक्यूटिवली उन लोगों ने हमको इस बार फर्स्ट पोजीशन में लाया। इसलिए हम मेरा 6th त्रिजनो बुरागांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी निवासी हैं उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद मैं आया हूँ, थर्ड टर्म हो गया। इस थर्ड टर्म में मैं सोचता हूँ कि मैंने 2009 से 2014 ये 19 का ये बीच में पार्लियामेंट सेक्रेटरी PHE रहा, उसके बाद पार्लियामेंट सेक्रेटरी फॉरेस्ट इन्वॉल्वमेंट रहा, और पार्लियामेंट सेक्रेटरी इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक डिपार्टमेंट रहा, और आपेदा का चेयरमैन रहा इन 10 साल में। सर, जैसे कि हर कोई, जैसे कि आपने 10 साल आपने सर्व किया आपने ट्रिजनु बुरागांव कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो इस साल ये 5 साल आपका प्रायोरिटीज़ क्या रहेगा, आपका मेन मुद्दा क्या रहेगा आपके लोगों के लिए? जितना भी मैंने 2009 से हमारा 6th त्रिजनो बुरागांव कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए जब सेवा करना शुरू किया, खास करके मैंने मेडिकल सेक्टर में, पावर सेक्टर में, रोड सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में, इन 4 सेक्टर में मैंने और भी अन्य सेक्टर से उन सभी लोगों को भी ध्यान दिया, जैसे कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म डिपार्टमेंट। लेकिन पार्टिकुलरली इस 4 मुद्दा को लेते हुए जितना भी जो अधूरा है उसको इस 5 साल में मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। सर, जैसे कि इससे पहले आपने कहा कि आप ये 10 सालों में आपने एज ए पार्लियामेंट्री सर्व किया, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आफ्टर पार्टी का डिस्कशन के बाद में आपको कोई मिनिस्टर पोस्ट मिलना चाहिए, या अगर आपको मिलता है तो आप किस तरीके से आप वो जो मिनिस्टर पोस्ट को आप संभालोगे? हाई कमन जैसे तय करेगा उस मुताबिक से चलेंगे। मैंने कहा, मैंने इस 10 साल में मैंने 4 डिपार्टमेंट मैंने संभाला है, बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस कर लिया बोल के नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा अरुणाचली लोगों के लिए, हमारा सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया मैंने उन लोगों के लिए सर्व करना चाहता हूँ, आउट ऑफ 14 लैक्स पॉपुलेशन उन सभी लोगों के लिए करना चाहता हूँ, अरुणाचल का विकास के लिए, अरुणाचल का सही दिशा को लेके जाने का वो विचार करके आया हूँ मैं। सर, जैसे कि आपने कहा कि आप अगर हाई कमान देते हैं तो आप रेडी हो संभालने के लिए मिनिस्टर पोस्ट, तो आप बता पाओगे कि आप कौन सा मिनिस्टर पोस्ट को आप प्रेफर करोगे अगर आपको मिलता है तो? हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बहुत ही अच्छा आदमी है, अच्छा विजनरी है, अच्छा सोच विचार लेके आया हुआ है। इस 2 साल 6 महीने के अंदर में जिस तरह से हमारा अरुणाचल लोगों के लिए जिस तरह से तरक्की किया है, जिस तरह से उसने हर एक क्षेत्र को जो ध्यान दे रहा है, खास करके एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को जिस तरह से वो ध्यान दे रहा है, उसी चीज़ को देखने से सभी लोग को मिनिस्टर होना ही है बोल के नहीं है, लेकिन जितना हो सके एक टीम वर्क बनकर हमारा अरुणाचल लोगों के लिए काम करने के लिए मैं क्षमता रखता हूँ और क्षमता रख के लेके चलेंगे उसके साथ। ठीक है सर, आखिर में जितने भी आपके सपोर्टर थे, वेल विशर थे, बुरागांव ट्रिजनु के लोग, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो हमारा जितने भी वेल विशर्स हैं, जितने भी पब्लिक लीडर्स हैं, जितने भी ऑफिसर्सगण थे, जितने भी जो यूथ लीडर्स हैं, जितने भी वोमेंस जो इस बार जो पार्टिसिपेंट्स जितने भी जो किया है, उन लोगों ने सचमुच का हमारा कार्य जो किया है उसको, उस चीज़ को समझ कर इतना मन से तन से लगा कर जो साथ दिया है उन लोगों के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। उन लोगों को हम बहुत बहुत थैंक यू देता हूँ, और जिस तरह से मेरा कार्य जो किया है उस चीज़ को देख कर उन लोगों ने समर्थन दिया है, तो इसलिए उन सभी लोगों को मैं ये एक संदेश देना चाहूँगा कि हमारा तरफ से जितना भी जो सकेगा उन सभी लोगों को मदद भरपूर पहुँचाने की कोशिश करेगा जो सकेगा मेरा तरफ से। सर, हमारे साथ बात करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच, और आपको हम अरुणाचल टुडे टीम से आपको विश करते हैं कि आपके आगे आने वाले समय में आपको बहुत बहुत सफलता मिले। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद।